गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव फ्रॉम क्रॉसफील्ड गर्ल्स कॉलेज। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया था, उसमें मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर के बारे में बता दिया था। आज का हमारा टॉपिक है यूटिलिटीज़। इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर हुज रोल इज़ टू मैनेज द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। They come in the form of wide variety of a programs which increase the processing speed of a computer. Utility क्या होता है? ये एक system software की category है जो कि computer system की सारी activities को manage करता है, computer के सारे program की speed को increase करता है, जिससे कि program की efficiency और अच्छी हो सके। Operating system के under में utility program run करता है। इसके बाद फॉलोइंग आर द सम ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कुछ और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जिसमें फर्स्ट है आपका डिक्स फ्रेगमेंटर। दिस इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विच रीअरेंज द डाटा ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इन सच अ वे डैट इट कैन बी मोर क्विकली स्पीड। इट्स यूटिलाइज द डिक्स स्पेस। वेन एवर यूजर स्टोर डेटा, इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट इट्स ऑक्यूपाई वन स्लॉट और कंटिन्यूस ग्रुप ऑफ अ डिक्स सेक्टर। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या होता है? डिस्क फ्रेगमेंटर की हेल्प से डिस्क में फैली फाइल को अरेंज किया जाता है। जब फाइल डिस्क में अलग अलग जगह पे होती है तो उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, यानी कि वो एक ही डिस्क में अलग अलग बिखरी हुई होती है। ये फाइल और फोल्डर्स को ऐसे अरेंज करता है कि स्टोरेज स्पेस को कम से कम जगह में कवर किया जा सके। इट्स मीन्स वेस्टिंग स्टोरेज स्पेस को ये हटा देता है। इसमें सेकेंड पॉइंट है आपका डिस्क स्कैनर। इट इज़ अ यूटिलिटी विच स्कैन द डिस्क। स्कैनिंग मीन्स चेकिंग एंड करेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ द डिस्क। दिस प्रॉब्लम में आइदर ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स और लॉजिकल प्रॉब्लम्स। डिस्क स्कैनर आइडेंटिफाई और डिटेक्ट एंड करेक्ट बोथ टाइप्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। डिस्क स्कैनर क्या होता है? ये एक तरह का यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जो कि डिस्क के अंदर स्कैनिंग करने का काम करता है। स्कैनिंग मीन्स डिस्क के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो चेकिंग की हो चाहे करेक्शन की हो, उसको ये स्कैन करता है। ये प्रॉब्लम फिजिकल प्रॉब्लम और लॉजिकल प्रॉब्लम दोनों हो सकती है। डिस्क स्कैनर सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, फिर उसको डिटेक्ट करता है और करेक्ट करता है दोनों तरह की प्रॉब्लम को, फिजिकल प्रॉब्लम को भी और लॉजिकल प्रॉब्लम को भी। इसके अलावा डिस्क के अंदर जो भी अनवांटेड या टेम्परेरी फाइल होती है, इनको भी ये रिमूव करता है। आजकल मार्केट में बहुत तरह से डिस्क स्कैनर फाइल मिल रही हैं, जैसे स्कैन डिस्क, डिस्क क्लीनअप, जिसकी वजह से हमारे डिस्क में जो अनवांटेड फाइल होती है उसको हम स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड है फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी। दिस इज़ अ यूटिलिटी विच कंप्रेस और रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइल विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल डेटा। This utility helps in better and optimum utilization of the disk space. File compression utility क्या होती है? ये utility program file की size को कम करने के लिए बनाया जाता है, जिससे user को storage space ज़्यादा मिले। बड़ी file ज़्यादा storage area लेती है, इसकी help से हम file को कम से कम स्टोरेज स्पेस में स्टोर कर सकते हैं। जनरली इसका इस्तेमाल हम लोग अपने फ़ोन में, पेन ड्राइव में, इन सब जगहों पे करते हैं, जिससे कि हम कम से कम, मतलब बड़ी सी बड़ी फाइल को कम से कम स्टोरेज स्पेस में रख सकें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वायरस स्कैन, जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।